राधे कि राधा कृष्ण इन दोनों में कोई छोटा बड़ा है? बहुत लोग वृंदावन जाते होंगे, गए होंगे या किताबें पढ़ी होंगी, कहीं श्री कृष्ण को सुप्रीम पावर बताया गया, कहीं राधा जी को सुप्रीम पावर बताया गया, कहीं श्री कृष्ण को राधिका का दास बताया गया, कहीं राधा को श्री कृष्ण की दासी बताया गया। ये विरोधाभास भरा पड़ा है समस्त ग्रंथों में। भागवत में देखो तो श्री कृष्ण बड़े महाराज ने समस्त गोपियों का परित्याग कर दिया और राधा कृष्ण दोनों गायब हो गए। और उसके बाद किशोरी जी को भी छोड़ दिया ठाकुर जी ने, वो भी मिलाप कर रही है वियोग में और कह रही है हारात रमण श्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज, मैं दीन दुखी आपकी दासी आपके लिए व्याकुल हूं, दर्शन दीजिए। और कहीं ये भी लिखा हुआ है आत्मा तो राधिका दस्य कई वरमणा दसौ आत्मा रामे प्रोक्तो मुनिभिर्मूढ़ वेद्भिः। श्री कृष्ण की आत्मा है राधा, जैसे आप अपनी आत्मा के दास है, यानी इंद्रिय मन बुद्धि शरीर सब अपनी आत्मा के दास है, सर्विस करते हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण भी अपनी आत्मा राधा की सर्विस करते हैं, यानी वो सर्वेंट है दास। ये दो विरोधी बातें आप सुनते हैं और आपको भ्रम हो जाता है क्या सही है। आप इन दोनों बातों को न मानिए अन्यथा नाना अपराध कर बैठेंगे। ये रसिक लोग जो बोलते हैं उनकी ऐसी बड़ी भाषा को रसिक लोग समझते हैं और आप बीच में बेबाक मारे जाएंगे। राधा कृष्ण दो पर्सनैलिटी है ही नहीं, ये दो है नहीं, एक ही दो बन गया। जब एक ही दो बन गया तो छोटा बड़ा या बराबर ये प्रश्न ही समाप्त हो गया। जैसे महाराज ने श्री कृष्ण ने अनेक रूप धारण कर लिए, जितनी गोपियां उतने श्री कृष्ण, दो दो गोपी के बीच में एक श्री कृष्ण, एक श्री कृष्ण फिर दो गोपी फिर एक श्री कृष्ण फिर दो गोपी, ऐसे हुआ है ना महाराज? आप लोग ऐसा समझते होंगे एक गोपी एक श्री कृष्ण फिर गोपी फिर श्री कृष्ण फिर गोपी फिर श्री कृष्ण, ऐसा हुआ महाराज? ऐसा नहीं हुआ, एक श्री कृष्ण फिर गोपी दो फिर श्री कृष्ण एक फिर गोपी दो। ये दो गोपी कौन है? एक गोपी है जीव और एक गोपी है ब्रह्म। ब्रह्म नाम की जो गोपी है उसी को कहते हैं राधा तत्व। एक श्री कृष्ण फिर गोपी फिर राधा फिर श्री कृष्ण फिर गोपी फिर राधा फिर श्री कृष्ण, ऐसा महाराज पर। तो जो अनंत रूप धारण किया श्री कृष्ण ने या राधिका ने, तो क्या आप ये प्रश्न करेंगे कि ये जो तमाम सारे श्री कृष्ण बने हैं इनमें कौन छोटा है कौन बड़ा है? आप कहेंगे एक ही श्री कृष्ण तो अनेक रूप धारण किए हैं, इसलिए दो है ही नहीं, छोटे बड़े का सवाल कहां से आएगा? तो बस ऐसे ही स्वयं श्री कृष्ण ही राधा बन गए हैं। साइवमेव आत्मानं त्रिधा पातयत्, उन्होंने ही अपना दो रूप
एक राधा रूप में एक श्री कृष्ण रूप में। पर श्री कृष्ण राधिका की उपासना करे, राधा श्री कृष्ण की उपासना करे, तो है ही नहीं। इसलिए एक छोटा है एक बड़ा है ऐसी बात सोचना भी भयंकर अपराध है। रस की दृष्टि से आप दो में कोई बात कह सकते हैं, चाहे राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण है। किशोरी जी तो रोती रहती है उनके लिए, किशोरी जी किशोरी जी है, आपकी चरण दबाया करते हैं। अरे दोनों दोनों के चरण दबाते हैं, दोनों दोनों के उपासक है, वो दोनों एक है। एक चित्त में ये उपासना हो रही है, एक दूसरे के उपासक बने हुए हैं, ये जीव कल्याण के लिए, जीवों को रस देने के लिए। इसलिए राधा कृष्ण को आप दो मत समझिएगा। और हमारे देश में तो अभी 99% ये समझते हैं कि स्त्री पति है। जैसे संसार में स्त्री पति होते हैं तो ऐसे ही राधा कृष्ण भी स्त्री पति है। एक राधा है विश्वास की लड़की और एक कृष्ण है नंद के लड़के, इन दोनों का प्यार हो गया और ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो विवाह भी लिखा हुआ है हो गया, तो ये स्त्री पति हो गए। स्त्री पति नहीं, स्त्री पति तो दो पर्सनैलिटी होती है अलग अलग, वे स्त्री पति होते हैं। तो बहन भी होगी तो अलग अलग पर्सनैलिटी होगी, दो भाई भी होंगे तो अलग अलग पर्सनैलिटी होगी। एक ही ब्रह्म है दो बना है, जैसे वो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म ही सगुण सविशेष साकार ब्रह्म बना, वही सगुण सविशेष साकार ब्रह्म ही राधा कृष्ण दो रूप में बन गया, वही अनेक अनंत अवतारों में अनेक रूप में बना। तम स्त्री तम कुमार तम कुमार बुधवा कुमारी। इसलिए सिद्धांत समझे रहिएगा, इसमें गड़बड़ न होने पाए। रसिकों की रसमयी भाषा में आप कहीं उलझ न जाए और आपके मस्तिष्क में कहीं इन दोनों में किसी के प्रति छोटी भावना न हो जाए। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार सावधान कर रहा हूं, आप केवल किशोरी जी की भक्ति कीजिए, श्री कृष्ण को उन्हीं के अंदर कर दीजिए, वे एक ही है, करना होता क्या। वो भी ठीक, केवल श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए, किशोरी जी को उनके अंदर कर दीजिए, करना क्या ही है वो। अथवा दोनों की कीजिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। लेकिन अगर आपने एक को छोटा कहा एक को बड़ा कहा तो कैसे कहा। अरे छोटा तो महापुरुष भी नहीं है भगवान से। राधा कृष्ण की बात तो छोड़ दो,